हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, यानी कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अगर हम थ्री डायमेंशनल वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे एंड उस केस में अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या एंड किस तरीके से हमको आउटपुट एंड उनकी डायरेक्शन मिलेंगी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, और अगर मान लेते हैं दो वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, तो उस केस में हमको रिजल्ट मिलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां पे एन कैप जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके अलावा हमने आपको थ्री डायमेंशनल यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं दो वेक्टर के वो हम बता चुके हैं कि मान लेते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो उस केस में जब थ्री डायमेंशनल या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड इसी तरीके से बी वेक्टर हो जाएगा बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। इसको भी हमने इन डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेंगे जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो हो जाएगा ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर ए की वैल्यू जो है ये वही है, तो इसको पुट अप कर देंगे ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस, एंड यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हो जाएगा बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के कैप। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जैसे आप सिंपली सॉल्व करते हैं वही करेंगे ए वन बी वन आई कैप यानी कि आप सिंपली क्या करें ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका इंटू इन सबसे करेंगे, इसका इंटू इन सबसे करेंगे एंड ए थ्री के कैप का भी मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको वन बाय वन। तो ये हो जाएगा ए वन बी वन आई कैप ओके, यानी कि ए वन बी वन एंड आई कैप इंटू आई कैप हो जाएगा ओके, आई मीन आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा, देन ए वन बी टू आई कैप जे कैप, देन ए वन बी थ्री आई कैप के कैप ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब इस ए टू जे कैप का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो हो जाएगा ए टू बी वन देन जे कैप आई कैप प्लस ए टू बी टू जे कैप देन ए टू बी थ्री जे कैप के कैप, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ए थ्री के कैप का मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे तो ये हो जाएगा ए थ्री बी वन के कैप आई कैप देन ए थ्री बी टू के कैप जे कैप देन ए थ्री बी थ्री के कैप के कैप। तो ये स्टेप मिल गई स्टूडेंट्स। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे जहाँ पे हमने बताया था आपको क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब दोनों ही यूनिट वेक्टर जो है अगर सेम होते हैं, यानी कि आई कैप हो या फिर जे कैप हो या फिर के कैप हो, यानी कि तीनों ही अगर केस में अगर हम बात करते हैं तो दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं वो सेम होते हैं, तो उस केस में उन दोनों यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई कैप है ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप है तो जीरो हो जाएगा, तो पहली टर्म जीरो हो जाएगी, देन ए वन बी टू और यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप। तो इसको हमने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक में कि अगर हम इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल में अरेंज करते हैं तो उस केस में आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो के कैप हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देन ए वन बी थ्री ओके, एंड यहाँ पे सीक्वेंस देखिए थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, के कैप क्रॉस आई कैप जो है वो जे कैप होता है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा है, यानी कि आई कैप क्रॉस के कैप है तो इस केस में जाएगा माइनस जे कैप, इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस के बदले साइन माइनस हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपको टफ लग रहा है कि कैसे होगा तो आपको हमारी क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए ओके, जहाँ पे हमने इसको इन डिटेल में आपको समझाए थे। तो इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये ए टू बी वन देन जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप होता है तो माइनस सामने आ जाएगा, उसके बाद यहाँ जे कैप क्रॉस जे कैप है तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। आगे ए टू बी थ्री देन जे कैप के कैप जो है वो आई कैप होता है सिंपली, तो ये हो जाएगा ए टू बी थ्री आई कैप देन ए थ्री बी वन, और यहाँ पे देखिए के कैप और आई कैप है यानी कि नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा जे कैप, तो हो जाएगा ए थ्री बी वन जे कैप, इसके बाद के कैप क्रॉस जे कैप है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ पे माइनस आई कैप हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे ए थ्री बी टू और आई कैप के सामने माइनस लगा हुआ है, एंड द लास्ट वन के कैप क्रॉस के कैप है स्टूडेंट्स, दोनों सेम यूनिट वेक्टर है तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है कि यदि आई कैप एंड आई कैप वाली टर्म को देखें तो दोनों में से आई कैप अगर बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसी तरीके से जे कैप एंड जे कैप वाली टर्म से अगर हम जे कैप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री हो जाएगा, एंड
के केप एंड के केप वाई टर्म में से अगर हम के केप कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू पी वन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो ये हो गया हमारे लिए मेन इक्वेशन, यानी कि यही है क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है। पर क्वेश्चन आता है कि अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं पता है तो भी डोंट वरी, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जो डिटरमिनेंट होता है इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं इसको डिटरमिनेंट को, एंड ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम ए वन ए टू ए थ्री एंड बी वन बी टू बी थ्री लिखते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आई कैप है, अगर इस आई कैप को पकड़ के हम इसके रो एंड कॉलम को हाइड कर दें तो बचता है ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री। अब यहाँ पे सिक्वेंस क्या होता है, पहले स्टार्ट करते हैं इस तरीके से एंड उसके बाद माइनस लगा के इस तरीके से अरेंज करते हैं, यानी कि क्या होगा ए टू बी थ्री देखिए माइनस बी टू ए थ्री। ये एक्चुअली डिटरमिनेंट के लिखने का तरीका होता है। ओके, देन अगले बार में देखिए जे कैप अगर हमको लिखना है तो जे कैप वाले रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, बच जाएगा ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री। तो उस केस में सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा होता है, ये आई कैप का था। जे कैप में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि स्टार्ट नीचे से करना होता है। देखिए आई कैप में हमने स्टार्ट ऊपर से किए थे, जे कैप के केस में हमको नीचे से स्टार्ट करना होता है, देन इस तरीके से माइनस लगा के करना होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये कि हो जाएगा सिंपली बी वन ए थ्री, देखिए लिखा हुआ है बी वन ए थ्री माइनस ए वन बी थ्री। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं के कैप के लिए तो इसको हाइड कर देंगे रो एंड कॉलम को, तो ए वन ए टू बी वन बी टू बचेगा। तो उस केस में वापस से हम नॉर्मल यानी कि ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, तो जेड कैप यानी कि आई मीन जो के कैप है, के कैप के लिए क्या हो जाएगा, ये ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस चीज़ को हम डिटरमिनेंट के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर थ्री डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो हमेशा डिटरमिनेंट के फॉर्म में मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।